अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बज़्मे फ़िक्र एक बार रावलपिंडी की जानिब से आज की इस मीटिंग में, आज की इस सेशन में तमाम अहबाब को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। हसन अमीन है, आप आपने हैंड रेज किया, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं इकबालियात का एक बिगनर लेवल का तालिबे इल्म हूं। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि हेनरी बर्गसन और अल्लामा इकबाल का ये जो नज़रियात हैं टाइम और स्पेस के बारे में, इन दोनों के अंदर बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि अल्लामा इकबाल ने अपने ये जो नजरिया है इसमें से कई चीजें बर्गसन से मखूस की हैं। तो सर ये शेयर कर दीजिए कि इन दोनों में बेसिकली ये दोनों पहले है क्या और बाद में इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। आप इकबालियात के बिगिनर लेवल के स्टूडेंट नहीं हैं, आप इकबालियात के अच्छे खासे माशाल्लाह स्टूडेंट हैं। तो आपने जो सवाल किया उसको मुख्तसर जवाब में देना चाहूंगा ताकि बाकी अब आप सारे जवाब में हिस्सा ले सकें। बहरहाल आपका जो सवाल है कि क्या ये जो लोग कहते हैं कि इकबाल और बर्गसान जमाने के टाइम के तसव्वुरात में एक हैं, या ये जो लोग कहते हैं कि इकबाल ने बर्गसान से कुछ चीजें ली हैं, या फिर इन दोनों के तसव्वुरात क्या हैं, और या फिर अगर कोई इन दोनों में फर्क है तो वो फर्क क्या है? चार सवाल हैं आपके। तो पहला सवाल आपका, जो ये लोग कहते हैं क्या ये जमाने के नजरियात, टाइम के नजरियात इनके एक हैं, उसमें जवाब ये है कि एक पहलू ऐसा है, वन एस्पेक्ट, किसी भी बात के कई पहलू होते हैं और इकबाल के जमाने के भी चार पांच पहलू हैं। एक पहलू, वन एस्पेक्ट जो है वो बर्गसान का और इकबाल का एक ही है और वो दोनों एक ही पेज पर है, और वो पहलू ये है कि टाइम सब्जेक्टिव होता है। वो पहलू ये है कि टाइम इंसान के माइंड के अंदर होता है। अब ये फलसफी अकेला इकबाल नहीं है या अकेला बर्गसान नहीं है इस बात को मानने वाला कि टाइम सब्जेक्टिव होता है, टाइम माइंड के अंदर होता है, बल्कि और भी फलसफे ऐसे गुजरे हैं जिनमें सबसे बड़ा मशहूर नाम इमानुअल कांट का है कि जो टाइम को एक मेंटल फैकल्टी मानते हैं। सो इसलिए पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ कि एक पहलू से ये दोनों एक ही पेज पर मौजूद हैं कि बर्गसान भी टाइम को सब्जेक्टिव मानता है, ऑब्जेक्टिव नहीं मानता आइंस्टाइन की तरह से कि टाइम जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बैरूनी दुनिया में बैरूनी दुनिया में ही है और माइंड सिर्फ उसे परसीव करता है। ये आइंस्टाइन की और बहुत सारे ज्यादातर फलसफियों की राय है कि टाइम ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इकबाल और बर्गसान एक पेज पर इसलिए हैं, इकबाल और बर्गसान दोनों की ये राय है कि टाइम सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव इसके और पहलू भी है, वो और पहलू है, फिर उस पर आपने सवाल नहीं किया। सवाल नंबर दो आपका ये है कि क्या इकबाल ने बर्गसान से कुछ लिया? इकबाल ने तसव्वुर ज़मान का खत बनाते हुए, बर्गसान ने भी खत जो है नीचे से ऊपर बनाया, यानी जमीन की तरफ से बिस्मिल्लाह पढ़िए और आसमान की तरफ खत उठा, जैसे वाई एक्सिस बनाते हैं, लेटा हुआ खत नहीं बनाया, आगे को जाता हुआ खत नहीं बनाया, जैसे सिरात मुस्तकीम में कुरान पाक ने खत बनाया फ्रंट को जाता हुआ सिरात मुस्तकीम। तो ये एक डिफरेंट बात है कि इकबाल ने सिरात मुस्तकीम की तरफ फ्रंट का खत नहीं बनाया, नीचे से ऊपर का खत बनाया, खुद ही बुलंद करने की बात की, खुद ही को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, खुद ही को कर बुलंद इतना कर। ये वो पहलू है इकबाल का जो बर्गसान से लिया गया, क्योंकि बर्गसान ने खत को नीचे से ऊपर उठाया है। और इकबाल में और बर्गसान में तीसरा जो आपका सवाल है कि फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये जो जमाने का खत बनाया है, इकबाल ने बर्गसान से इस मकाम पर इख्तलाफ किया है कि खुद ही जब नीचे से ऊपर उठती है जमाने के खत पर, तो जो आखिरी मर्तबा और आखिरी मकाम है वो बर्गसान के नजदीक शऊर है, और शऊर को उसने खत के ऊपर रखा है और नीचे बर्गसान ने मादे को रखा है। तो मादा जुल्मत है और खत वहां से शुरू होता है, और मादा अशऊर नूर है और खत ऊपर जाता है। इकबाल की खुदी भी बुलंद होती है और खत जो है वह बर्गसान की तरह सारी निचली तरतीबों को फॉलो करता है, जो बर्गसान की है वही इकबाल की है।
लेकिन आखिर में इकबाल के पास शऊर के बाद खत और ऊपर बढ़ जाता है और वहां पे इकबाल के पास एहसास और कल्ब जहां वही उतरती है और जो दिमाग से ज्यादा दिल है उस पर जाकर खत खत्म होता है। तो ये खुदी को बुलंद करने के खतूत दोनों के, बर्गसान का क्रिएटिव एवोल्यूशन का या एलन वाइटल का खत और इकबाल खुदी के बुलंद होने का खत। तीन सवाल आपके पूरे हो गए। हम यूं करते हैं कि हम 5 मिनट इस पर बात कर लेते हैं कि हमारा मौजू क्या है और आप उसमें से सवाल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मौजू है इकबाल का तसव्वुर ज़मान का। अभी जो बात मैं कर रहा था एक सवाल के जवाब में, और वो बात ये थी कि क्या टाइम सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो पहले ये हम जान लें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आखिर इकबाल सब्जेक्टिव कैसे मानता है और आइंस्टाइन ऑब्जेक्टिव कैसे मानता है। तो ये दो इस्तिलाहात हैं फलसफे में बोली जाती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव चीजें वो होती हैं जो हमारे माइंड में होती हैं, बैरूनी दुनिया में नहीं भी हो सकती, और बैरूनी दुनिया में अगर हो भी सकती हैं तो हमारे माइंड के बाद वजूद में आती है। यानी एक तस्वीर आप बनाना चाहते हैं और आपने सोची है कि मैं एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें दरख्त होगा जो दुनिया में पहले नहीं है, तो वो टोटल आपका एक चीज है जो आप बाहर लाएंगे तो तब वो ऑब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार करेगी। तो जब आप उसको बना लेंगे तो फिर वो ऑब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार की है उसने, और अभी भी वो तस्वीर की फॉर्म में है, रियलिटी में वो दरख्त नहीं है। तो ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होता है जो बाहर पहले मौजूद है, यानी आपको बिल्कुल पता ना होता कि कुर्सी किसे कहते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे ना होते या कभी कुर्सी देखी ना होती तो कुर्सी ऑब्जेक्ट बैरूनी दुनिया में है, तो उसको देखने के बाद अगर किसी और जगह हम बैठे हैं और हमें कुर्सी याद आ रही है तो हम फिर दिमाग में उसकी तस्वीर बनाते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को हमने अब सब्जेक्टिव कर दिया है, जब जिस तरह वो बाहर है वैसा हम उसको देख रहे हैं उसकी तस्वीर को, तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव बन गया है। इसी तरह सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो अल्लामा इकबाल का ये कहना कि टाइम जो है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, और बर्गसान का भी ये कहना कि टाइम जो है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, आइंस्टाइन से मुख्तलिफ और उलट और अपोजिट बात है। जबकि आप तो सब जानते हैं कि आइंस्टाइन का तो बड़ा नाम है, उसका तो बड़ा शोहरा है और उसकी बात को साइंस मानती है, और आज के जमाने में साइंस जिस बात को मान ले सभी उसी की बात को मानते हैं। तो इसलिए ये बात के वाकई ऑब्जेक्टिव है टाइम या सब्जेक्टिव है, फिर दोबारा से एक मौजू है फलसफे का, क्योंकि आइंस्टाइन की मौजूदगी में टाइम ऑब्जेक्टिव है वाली बात का उलूज चल रहा है। जबकि बर्गसान जब था, जिंदा मौजूद था, तो उस वक्त आइंस्टाइन से पहले पहले बर्गसान की बहुत ज्यादा इज्जत थी दुनिया में, और उसके जेन का टाइम जो था कि टाइम जो है सब्जेक्टिव होता है वो दुनिया में माना जाता। तो ये फेज होते हैं जो फलसफे के तलाबा के जहन पर बैठ जाते हैं। आजकल ये है कि आइंस्टाइन ने जो बताया टाइम, कि टाइम ऑब्जेक्टिव है यानी बैरूनी रियलिटी है यानी कुर्सी की तरह से है, पर हमने उसे बाद में समझा है, ये आजकल उरूज पर है। अब आते हैं कि जो आइंस्टाइन और बर्गसान के दरमियान एक मुनाजरा हुआ था और बहुत कम लोगों को उसका पता है, पेरिस के अंदर आइंस्टाइन और बर्गसान के दरमियान एक मुनाजरा हुआ था, बिल्कुल उस अंदाज का जिसे जैसे मुनाजरे होते हैं, यानी पब्लिक होती है मुनाजरों में और ऊपर दो आलम जो हैं वो बहस करते हैं, तो अच्छे मुनाजरों में ऐसे होता है। तो वैसा ही मुनाजरा हुआ था और आइंस्टाइन लोगों में जीत गया था, लेकिन बर्गसान ने जब आइंस्टाइन को दिया जाने लगा नोबेल प्राइज, तो बर्गसान ने फिर बाद में नोबेल प्राइज कमेटी को लिखा कि आइंस्टाइन की जो टाइम की थीरी है, स्पेशल थीरी, वो मैं उससे मुतफिक नहीं हूं। तो नोबेल प्राइज कमेटी ने आज और उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर देने की बजाय उन्होंने फैसला किया कि आइंस्टाइन के एक और बात थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस पर दे देते। तो उस पर जब दिया उन्होंने तो आइंस्टाइन ने इसका गुस्सा किया और नोबेल प्राइज वाली तकरीर में आइंस्टाइन ने सारी तकरीर स्पेशल रिलेटिविटी के हक में बवजह गुस्सा फरमाई, और उस तकरीर के शुरू में कहा भी कि मुझे ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, मेरी ये नोबेल प्राइज स्पेशल रिलेटिविटी का, मेरी टाइम की थ्योरी का बदला।
लेकिन बर्गसान ने वो नहीं लेने दिया, टाइम पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज नहीं लेने दिया और बहुत अच्छा किया। इसलिए बर्गसान ने उस बहस में हजार शिकस्त खाई। एक बात ये थी कि पब्लिक को हम मेयार नहीं मान सकते और पब्लिक ने बर्गसान को इसलिए हरवा दिया था कि आइंस्टाइन ने सारी बातें तजर्बाती की थी, जैसे साइंस होती है और लोगों को समझ में वो आती थी, पर बर्गसान ने सारी बातें दिमाग के अंदर माइंड के अंदर की थी और वो लोगों को समझ नहीं आती है, जबकि लोगों के शोर शराबे की वजह से ये जीत गया। दानाओं का वो कोई फैसला नहीं था, वो मुनाजरा मुनाजरों की तरह से बगैर फैसले के ही खत्म हुआ था। तो ये सारी बात जो मैंने बताई है ये जाहिर कर रही है कि आइंस्टाइन के ये कहने के बावजूद कि टाइम एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बर्गसान और अल्लामा इकबाल का ये नजरिया कि टाइम एक सब्जेक्टिव रियलिटी है अभी भी ताकतवर है और अभी भी उस नजरिए में जान है। अब वो नजरिया तो बहुत लंबा है, उस पर मैं आपको एक लेक्चर का लिंक दे सकता हूँ जो 2 घंटे का है और अभी कल जलील अली साहब ने उसको अपनी वाल पर शेयर भी किया है, उस्ताद मोहतरम जलील अली साहब ने। तो वो लेक्चर बड़ा डिटेल में मैंने हवालों के साथ अल्लामा इकबाल के तसव्वुर ज़मान व मकाम पर दिया है। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि आज का मौजू क्या टाइम सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है तक महदूद है, क्योंकि हमारे पास भी तो टाइम महदूद है। तो इसलिए इसी के अंदर अगर आपको कोई सवाल पैदा हो चुका है अब या अभी कोई किसी का हैंड रेज्ड है तो वो बात कर लें, और अगर नहीं तो फिर मैं आगे बात कर सकता हूँ। इसी तसलसल के साथ हम अपने 40 मिनट पूरे कर लें। तो 1 मिनट आपके सवाल का वेट करते हैं। जी मैडम। सर जैसा आपने बताया इकबाल का सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू था और आइंस्टाइन का ऑब्जेक्टिव था, अगर हम इन दोनों तशरीहात को समझ जाएं अच्छी तरह से तो आइंस्टाइन हमें ज्यादा दुरुस्त लगता है, इसलिए कि जो टाइम है वो तो पहले से मौजूद चीज है, क्योंकि सूरज का निकलना, चांद तारों का वक्त का निकलना, मौसम का वक्त पर बदलना, दिन रात का पर आना जाना, तो ये तमाम चीजें जो है ये बैरूनी दुनिया से है, तो ये अपने अपने वक्त पे अपने अपने औकात में अपने अपने टाइम लिमिट में सारी चीजें ऑटोमेटिकली बैरूनी दुनिया में सर्वाइव कर रही है, सब कुछ बैरूनी दुनिया में हो रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों तारीफों को अच्छी तरह समझने के बाद ऐसा लगता है मुझे कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी है वो ज्यादा ठीक है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। अगर सब ताली सुन सकते तो मैं आपके लिए ताली बजवाता। तो ये सवाल बहुत खूबसूरत है और अब मैं आपके सवाल को एड्रेस करता हूँ। मैडम गुलनाज ने ये सवाल किया है कि सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है तो 1 दिन गुजर जाता है, जब 7 दिन गुजरते हैं तो हफ्ता बन जाता है, जब 30 दिन गुजरते हैं तो महीना बन जाता है, जब 12 महीने गुजरते हैं तो साल बन जाता है, तो ये टाइम तो हम गिन रहे हैं सूरज की वजह से और हमारा जो दिन है वो सूरज की वजह से है, और सूरज और चांद जो है इनकी वजह से, जैसे कि कुरान पाक में भी है कि आदाद और शुमार करते हैं हम दिनों का, तो हम जमाने को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए टाइम तो ऐसे लगता है कि कुरान में भी ऑब्जेक्टिव है और टाइम तो देखने में भी ऑब्जेक्टिव है, और आइंस्टाइन अगर ऑब्जेक्टिव कहता है तो ये बात बड़ी सादा और वाजे है कि टाइम ऑब्जेक्टिव है। इतना जबरदस्त सवाल है कि इतनी दाद दी जाए काम है। जवाब इसका ये है कि पहली बार हम कांट से शुरू करें तो आपको समझ आ सकती है कि कांट ने कहा है कि टाइम मेंटल फैकल्टी है, टाइम मेंटल फैकल्टी है कहते ही मुझे ये समझाना फर्ज बन गया मेरे लिए कि मेंटल फैकल्टी क्या होती है। मेंटल फैकल्टी को जरा समझने की कोशिश करें, आसान चीज है कि हम इंसान जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं, जिन हवास के साथ पैदा हुए, हमारी कुछ मेंटल फैकल्टीज हैं परमानेंट माइंड में, जिनमें से एक सादा और आसान मेंटल फैकल्टी की मैं मिसाल देने लगे। जो ही वो मिसाल आप सुनेंगी मैडम गुलनास तो आपको समझ आ जाएगी कि मेंटल फैकल्टी क्या होती है। मिसाल ये है कि जब हम गिनती गिनते हैं तो हम गिनते हैं 210, 430, 512। आपने गौर किया कि ये जितने भी अल्फाज हैं, और 12 जो हमने बोला है उसमें 1 10 का सेट है और जो ऊपर 2 है वो 10 में से 8 कम है, यानी हमारी गिनती जो है वो जितना भी कोई भी हिंसा हम बोल ले वो 10 के सेट ही क्यों है। हमारी गिनती सारी की सारी, इवन के गिनती को काट लें और छोटा कर लें और कहें 0.5, तो वो भी 10 को सामने रख के बनाया जाता है कि हमने 1 के हिंसे को दरमियान में काटा तो
तो एक का हिस्सा 0.05 बनकर 10 बनता है। इसका मतलब है कि हमारा एक खास सिस्टम है गिनती का और उसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। तो कांट बताता है कि डेसिमल सिस्टम यानी आशारी निजाम, आशारी का लफ्ज आपने अरबी का सुना हुआ है जिसका मतलब है 10, अशरा पहला अशरा रमजान का यानी रमजान के पहले 10। तो आशारी निजाम जो है या डेसिमल सिस्टम जो है ये हम इंसानों की मेंटल फैकल्टी है, हम इंसानों की सिर्फ। अगर किसी और सितारे पर या सियारे पर कोई और इंसान हो या कोई और मखलूक हो या जमीन पर ही जो मखलूकात हैं जैसे कि बंदर है, जैसे कि गोरिल्ला है या जैसे कि जानवर है, तो क्या वो भी गिनती 10 के हिस्सों के आदाद में गिनेंगे? यानी ये कांट ने सवाल उठाया था एपिस्टेमोलॉजी का जो बहुत मशहूर और आला सवाल है। इस सवाल में ये साबित किया गया है कि नहीं, सिर्फ इंसानों की ही मेंटल फैकल्टी है कि वो 10 के आदाद के निजाम में गिनते। इसका जब जवाब पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि इंसान किसी और निजाम में नहीं गिनते, तो जवाब ये दिया गया कि इंसान की उंगलियां 10 हैं और इंसान लाखों साल से नजरिया इर्तका के बकौल, क्योंकि जवाब भी मैं उन्हीं के वाला दे रहा हूँ, 10 उंगलियां हैं और नजरिया इर्तका के बकौल इंसान चूंकि लाखों साल से जमीन पर है इसलिए वो जब बोल नहीं सकता था, जब लिख नहीं सकता था, तब भी गिन सकता था क्योंकि उसके पास 10 उंगलियां थी। इसलिए एक मेंटल फैकल्टी लाखों साल में डेवलप होकर एक बटन सा बन गई और अब वो 10 के अलावा गिन ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर उसकी उंगलियां 8 होती, 4-4 दोनों हाथों की, तो उसका गिनती का निजाम मुख्तलिफ होता और उसका जो 100 है वो 10 ज़र्बे 10 का ना होता बल्कि उसका 100 है वो 8 ज़र्बे 8 का होता। यानी हमारा जो 64 है वो उस मखलूक के लिए 100 होता। सो इसलिए साबित हो गया खातर खा तरीके से जी हाँ, एक चीज होती है जिसका नाम है मेंटल फैकल्टी। अब अगर वो मेंटल फैकल्टी होती है मेंटल वाली, वो और मखलूकात की और तरह से हो सकती है। अब अगर और मखलूकात की और तरह से हो सकती है तो हमारा वाला जो टाइम है जिसको हम इस दिन की मदद से गिनते हैं ये बिल्कुल मेंटल है और माइंड का हिस्सा है। रह गई ये बात कि आइंस्टाइन ने जब कहा कि ये ऑब्जेक्टिव है तो दुरुस्त है, तो इसको इसलिए हम कहेंगे कि ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि आइंस्टाइन का अपना टाइम दरअसल एग्जिस्ट नहीं करता। आइंस्टाइन का टाइम तो एक लिहाज से होता ही नहीं है क्योंकि आइंस्टाइन के यहाँ कोई टाइम नहीं है, आइंस्टाइन के यहाँ स्पेस टाइम, ना टाइम है आइंस्टाइन के पास ना स्पेस है आइंस्टाइन के पास, बल्कि आइंस्टाइन के पास एक नई चीज है जो टाइम और स्पेस को मिलाकर बनाई गई है और उसका नाम है स्पेस टाइम, और वो जुड़ी हुई है, एक दूसरे के बगैर वजूद नहीं रहती। टाइम सुकड़ता है तो स्पेस फैल जाती है, टाइम फैलता है तो स्पेस सुकड़ जाती है, और इस स्पेस और टाइम दोनों का असल में वजूद है ही नहीं क्योंकि सारी बात का ताल्लुक हरकत के साथ है। अगर कोई चीज हरकत कर रही है तो उसके लिए टाइम और तरह से गुजर रहा है, और अगर कोई रुकी हुई है तो उसके लिए और तरह से गुजर रहा है, और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से हरकत कर रही है, इतनी तेजी से कि रोशनी की रफ्तार इख्तियार कर ले, तो उसके लिए टाइम नहीं है, उसका टाइम है 0। जैसे फोटॉन जो है रोशनी का एक जर्रा है, और साइंस ये मानती है कि अगर हम फोटॉन से सवाल करें कि आपको बिग बैंग से लेकर अब तक कायनात के गुजरने का तजर्बा कैसा हुआ है आपका, तो फोटॉन हमें जवाब देगा कि मेरे लिए कोई माजी नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है, मैं एक लम्हे मौजूद हूँ, मेरे लिए सब कुछ अभी हुआ है और सब कुछ अभी के अंदर हो रहा है। यानी वो कहे कि मेरा एक अबदी हाल हो। अब हम चाहें कि अबदी हाल क्या है समझना, हमें फौरन मेंटल होना पड़ेगा क्योंकि बैरूनी दुनिया में टाइम की ये किस्म है कि टाइम एक दौरानिया है या टाइम एक इस्तेदाम है या टाइम एक अबदी हाल है, हम नहीं समझ पाएंगे, हम महदूद रहेंगे एक मेंटल फैकल्टी तक जो दिनों की। इसलिए आखिरी सवाल आपके सवाल का जवाब का अंदर से जो मैंने बातें आखज की थी उसमें अहम तरीन बात थी मेरी तरफ से कुरान का हवाला दिया जाना। अब मैं उस हिस्से का भी जवाब दे दू। कुरान पाक में अख्तिलाफ लैल व नहार के दिनों और रात का जो इख्तिलाफ है, इसके लिए हमने सूरज और चांद के गर्दिश में से दिनों का जो इख्तिलाफ आप निकालते हैं इसको आप गिनती के लिए यूज करते हैं, इसको आप हिसाब किताब के लिए यूज करते हैं ताकि आप मेंटल फैकल्टी की तरफ फुल इच्छा आप अपनी जिंदगी ठीक गुजार सकें।
और अगर आप इंसान ना होते, कुछ और होते, तो ये टाइम आपका ना होता। मखलूक है तो मुमकिन है टाइम आपके लिए अब्दी हाल हो, आप किसी और स्पीड पर, या मुमकिन टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा स्लो हो या बहुत ज्यादा तेज हो, या मुमकिन है टाइम आपके लिए दुरानिया हो। जो इकबाल कहते हैं कि टाइम की असल किस्म तो है दुरानिया, ड्यूरेशन, जिसे जमाने इस्तेदाम कहा जाता है और जिस इकबाल ने पुल की हैसियत से माना। और इकबाल कहता है कि वो असल टाइम वो है, और वो जब अपना इजहार करता है तो उसके इजहार के बाद जो इमरजेंट रियलिटी हमें नजर आती है, जाहिरी रियलिटी हमें नजर आती है, वो हमारी मेंटल फैकल्टी की मजबूरी है। और वो रियलिटी है माजी, हाल और मुस्तकबिल में टाइम को देखना, वरना टाइम एक पुल है और जो माजी, हाल और मुस्तकबिल से मावरा है। ऐसा इकबाल क्यों कहता है, ये मेरे आखिरी जुमला है, ऐसा इकबाल क्यों कहता है कि टाइम में एक पुल है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल से मावरा है, ऐसा इकबाल क्यों कहता है? ऐसा एक बात इसलिए कहता है क्योंकि कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के साथ इकबाल को बड़ी मोहब्बत है, और वो हदीस है कि मैं ज़माना हूँ, अल्लाह ने अपने आप को ज़माना कहा है। और ये हमने रवायत सुन रखी है इकबालियन माहिरीन इकबाल से कि जब बरगसान के सामने इकबाल ने ये हदीस रखी, जो मुलाकात हुई थी इकबाल की, तो बरगसान शशदर रह गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उसने दोहरा दोहरा कर इकबाल से पूछा बार बार कि क्या वाकई ये आपके प्रॉफिट ने कहा है कि जमाने को गाली मत दो, वला तसब्बुद्दहर, क्योंकि जमाना अल्लाह ने कहा है कि जमाना मैं खुद हूँ। तो अल्लाह का कोई माजी हाल मुस्तकबिल नहीं होता, अल्लाह एक अबदी हाल है। इसीलिए अल्लाह ने अपनी मिसाल, वैसे तो अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन इसीलिए एक मिसाल जो दी है वो किसी शय की नहीं। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमानों का नूर है। एक तरफ कुरान पाक की एक और आयत में अल्लाह ने कहा है कि लैस कमिस्लिही शय, उसकी मिसाल किसी से नहीं जा सकती। तो एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या कुरान पाक में तजाद है कि कुरान पाक में एक तरह नहीं दी, नूर शय नहीं है, शय मादी होती है और मादी शय माजी गुजरता है, हाल गुजरता है, मुस्तकबिल गुजरता है। रोशनी का जर्रा माजी, हाल और मुस्तकबिल से मावरा है, वो वॉल्यूम लेस है, वो टाइम लेस है, वो एक अल्टीमेट स्पीड है जिसकी स्पीड से कोई बढ़ नहीं सकता। तो अल्लाह ने इसलिए नूर से अपनी मिसाल दी है कि वो कुछ है, इसलिए दुआ तो में कंट्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि अल्लाह ने शय की मिसाल नहीं दी, अल्लाह ने अपने नूर की मिसाल। तो अल्लाह का जो नूर, नूर समावात वल अर्ज़ वाला है, उस पर भी कोई टाइम नहीं गुजरता, जैसा कि मैंने फोटान की मिसाल दी, और अल्लाह पर भी कोई टाइम नहीं गुजरता। तो वो है असली जमाना जो अल्लाह ने कहा है मैं जमाना। तो इकबाल इसलिए जमाने को सब्जेक्टिव मानते हैं, और इसलिए उस एक छोटे से टुकड़े को जो कि सच है, आइंस्टाइन वाला गलत नहीं है, पर सारी दुनिया के टाइम को मोहित नहीं कर देते, बल्कि वो कहते हैं ठीक है वो एक जमाना है, सीरियल टाइम, एटॉमिक टाइम, भेंगी आंखों को नजर आने वाला टाइम, क्योंकि अगर हमारी आंखें भेंगी ना होती तो हमें दो दो चार चार होकर ये कायनात नजर ना आती, एक कुल में दिखाई देती। सो जी इन आंखों से नजर आने वाला टाइम, सीरियल टाइम, माजी आर वाला टाइम। सर एक क्वेश्चन आया था तो सैफ अहमद का, उनका नेट का प्रॉब्लम था, उन्होंने लिखकर भेजा है कि कुल्ला यौम हुआ फी शान को किसने इस्तेमाल किया, बरगसा ने और या इकबाल ने, और इसकी जरा वजाहत भी फरमा दें, इससे क्या मतलब है। ये उन्हीं का सवाल है जिन्होंने पहले बरगसान के वाले से क्वेश्चन पूछा। नहीं सर, ये तौसीफ अहमद का सवाल है, उनका इंटरनेट का इशू था, इसलिए उन्होंने लिखकर भेजा है। अच्छा सवाल है ये। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान का कुरान पाक की एक आयत है, और इसका माना है कि हर लम्हे में अल्लाह की नई शान होती है। यौम का माना लम्हा, दिन, कोई सदरानिया, तमाम मुफस्सरीन ने किया है, सिर्फ मैं नहीं कर रहा। यानी एक मुफस्सर जो दिन भी लिखते हैं तर्जमे में कि कुरान हर दिन में अल्लाह की नई शान है, वो मुफस्सिर भी अपनी तशरीह में लिख देते हैं कि दरअसल यौम का मतलब है लम्हा या लहजा या एक टाइम का दुरानिया, जो एक दिन, दिन कैसे, दिन नार्वे का और लंबाई में है और हमारा और लंबाई में, तो ऑलरेडी वो बात लंबाई की ही है, ना कि यौम से मुराद सिर्फ लाहौर वालों का दिन है। ओके, तो कुल्ला यौमिन हुआ फी शान का जो बेहतरीन और खूबसूरत और लुत्फ तर्जमा है वो ये है कि हर लम्हे में अल्लाह की नई शान है। अगर इससे इख्तलाफ ना हो कि यही तर्जमा सबसे अच्छा है कि हर लम्हे में अल्लाह की नई शान है, तो एक बड़ी खूबसूरत बात सामने आती है कि अल्लाह ताला की कुरान पाक में एक आयत है जिसमें है कि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दील,
तो कल उनकी और अल्लाह की आदतें नहीं बदलती। वला अन तजिदा आप नहीं पाएंगे लिसुन्नतिल्लाही तब्दीला अल्लाह की सुन्नत में यानी कि अल्लाह की आदत में कोई तब्दीली आप कभी नहीं पाएंगे। तो आप दोनों आयात को अगर हम मिलाएं और इस्तिखराजी मुकदमा कायम करें जो कि एक बड़ा साइंटिफिक मेथड है जिसको कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक, तो हमें एक स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कुल यौमिन हुवा फी शान और दूसरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा फलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाही तब्दीला और जो हम उसका इस्तिंताज या रिजल्ट या कंक्लूजन देखेंगे तो वो ये बनेगा कि अल्लाह ताला की आदत है तब्दीली जबकि अल्लाह ताला अपनी आदत को नहीं बदलते। यानी चेंज इज द हैबिट ऑफ गॉड बट गॉड डज नॉट चेंज हिज हैबिट्स। यानी अल्लाह ताला की आदत है तब्दीली जारी रखना लेकिन अल्लाह अपनी आदत को नहीं बदलते। तो ये हो गया इन दोनों आयात से निकलने वाला नतीजा। अब इस नतीजे पे गौर करें तो ये क्या बता रहा है? ये नतीजा ये बता रहा है कि एक कांस्टेंट चेंज जो है सबात एक तगैयर को है जमाने में, बल्कि पहला मिसरा शेर का है सुकून माहौल है कुदरत के कारखाने में सबात एक तगैयर को है जमाने में। तो ये जो चेंज है ये कांस्टेंट है और ये मुसलसल होती रहती है तो ये अल्लाह की शान है और इसमें कोई तब्दील नहीं। अब आ गई बर्गसान की, जो आपने हिस्सा टच किया उसी के साथ ही मैं बात खत्म कर देता हूँ। बर्गसान ने क्रिएटिव एवोल्यूशन में जो उसकी किताब का नाम है तख्लीकी इर्तिका, ये नजरिया इख्तियार किया कि यूनिवर्स जो है एक तख्लीकी इर्तिका का नाम जो हमारी शक्ल में इंसानी शक्ल में अपनी बेहतरीन इर्तिकाई हालत में आ चुका है और शऊर हमारा अब मजीद और इर्तिका कर रहा है और हम बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। तो ये आइंस्टाइन बर्गसान को जो ये क्रिएटिव एवोल्यूशन में इर्तिका नजर आता है ये बर्गसान ने किताब लिखी है डार्विन के खिलाफ, क्योंकि डार्विन को जो इर्तिका है वो है स्टैटिक रुका हुआ स्टोइक मरा हुआ मायूस जिसमें हरकत नहीं, जिसकी वजह से दो जंगें हुई हैं। पहली जंग अजीम इसलिए हुई है कि अंग्रेज कहते थे हम बड़ी कौम है क्योंकि डार्विन कहता था जिसने सर्वाइवल में फिटेस्ट होकर साबित कर दिखाया वो बड़ी कौम। फिर जर्मन कहते थे हम बड़ी कौम क्योंकि हमने फिटेस्ट होकर दिखाया। तो ये फिटेस्ट वाले नजरिए डार्विन वाले की वजह से मौत छा गई दुनिया पे, दुनिया की 60% आबादी बीमार हो गई मर गई, 6.5 करोड़ इंसान कत्ल हो गए और सारा यूरोप तबाह हो गया। कहते हैं कि ये सारे का सारा तोहफा डार्विन का दिया हुआ। आइंस्टाइन ने क्रिएटिव एवोल्यूशन लिखी तो उसमें आइंस्टाइन ने मरे हुए इर्तिका को डेड इर्तिका को जिंदा कर दिया और आइंस्टाइन कह रहा हूं सॉरी बर्गसान और उसने उसको क्रिएटिव एवोल्यूशन में कहा कि इर्तिका एक तख्लीकी अमल है और ये फिक्स्ड फ्यूचर नहीं है बल्कि हर वक्त लतर कबुल न तबक नान तबक चढ़ते चले जाएंगे, ये इर्तिका आगे भी जारी है। अगर आप गौर करें क्योंकि आप अच्छा हसन साहब और थे, अगर आप गौर करें तो ये रूमी वाली बात है जो रूमी ने कहा है कि हम चुनी अकलीम ता अकलीम रफ्त, कि हम अकलीम से निकल कर अगली अकलीम में और उस अकलीम से निकल कर अगली अकलीम में एक जहान से दूसरे और दूसरे से तीसरे दर्जा बदर्जा बदर्जा चढ़ते चले जाएंगे और ये एक ऐसी सिराते मुस्तकीम है कि जिस पर हम जितना तेज दौड़ेंगे उतना ज्यादा आगे जाएंगे और कुरान पाक के अल्फाज में असाबिकून असाबिकून बन जाएंगे। और तर्जमा लिखने वाले लिखते हैं कि असाबिकून असाबिकून का माना है आगे बढ़ने वालों के क्या कहने, वो तो है ही आगे बढ़ने वाले, ये है कुरान पाक। तो ये था आपके सवाल का जवाब। नवीद जफर साहब हम आपके सवाल का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि नाउ वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स दी साइबर स्पेस एंड साइबर टाइम, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग और इसको कहां पे प्लेस करेंगे, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। किस वक्त जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है दैट इज ऑफ द इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, तो जब इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होगा तो मतलब है क्योंकि ये लिमिटेड विद द सेंसिंग आल्सो एंड लिमिटेड विद द प्रोसेसिंग आल्सो, तो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम कैसे बिलीव करके वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड मेक एनालिसिस आल्सो। और एक तीसरा क्वेश्चन भी इससे लिंक्ड है जो कि थोड़ा सा और डिफरेंट है कि व्हाई वी टेंड टू बिलीव के जो सही है वो सच भी है, क्योंकि देर कैन बी मेनी चीजें जो सही हो सकती हैं सच एक होते हैं,
वाई वी टेंड टू बिलीव वेरी डिस्क्रीटली विद वन ऑफ द पार्टी के बर्कसर ठीक है या वो ठीक है, वाई वी वॉन्ट टू मेक अ कंपेरिजन, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि सच से अभी तक क्योंकि हम पूरी तरह वाकिफ नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म जब तक रहेगा तो वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट एवरीथिंग के वी नो एवरीथिंग। तो अभी जब गैब जब तक रहेगा तो कंक्लूसिव कैसे हो सकते हैं? वेरी गुड, बहुत लुत्फ आया। ये आखिर से मैं शुरू करता हूँ, वापस आपके सवाल साइबर वाले पे बाद में आ जाऊंगा, आखिर में गैब वाले से शुरू करता हूँ। मुझे बड़ा मजा आया आपके सवाल से, क्योंकि आपके असल में आखिरी दो सवाल जो थे, पहले दो को छोड़ के आपके चार सवाल थे, आखिरी दो जो सवाल थे आपके उनमें से दरअसल वो मेरी आवाज थे, वो मैं मुत्तफिक हूँ उस बात के साथ कि व्हाई वी सीक द ट्रुथ इन फॉर्म ऑफ व्हिच इज राइट, इन फॉर्म ऑफ व्हिच इज सीमिंगली राइट, इन फॉर्म ऑफ व्हिच इज नाउ राइट, टुडे राइट, व्हाई वी सीक द ट्रुथ इन इन एक्चुअली दैट डेप्थ, व्हाई वी ट्राई, there is a tendency in our psychology that we what we see we find it the truth, we find truth in it, yeah, we try to find truth in it. ye bada isme main is why mein main muttafiq hu aapke sath ke ye baat to bilkul durust hai ki emergent jo reality hai, emergent reality is not the actual reality we already know via scientific methods, not every emergent reality is the reality we want. Like atom is the reality now in particle physics, but the emergent reality is not in form of atoms. We see walls, we see big things, not the quantum things. We see the macro scale objects and not the micro scale objects. And so why we always like the reality of the physics in form of quanta? बिकॉज हम सोचते हैं कि वो क्वांटा जो है वो असल रियलिटी है, हम मानते हैं, हम उसकी वजह से आलात इजाद कर चुके हैं, हम उसकी वजह से मोबाइल का टच सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन हमारे सामने वो रियलिटी जानते हुए कि असल है, हमारे सामने इमरजेंट तो वो नहीं है, इसलिए हमें पता है कि ये जो प्याज का पर्दा हमारे सामने इमरजेंट है ये वो रियलिटी नहीं है। So why your question is actually the thing and not, this is not the piece of answer that I'm giving to you for your question. I am just adding some other things into the question which you just asked. So ye why mera bhi wahi pe khada hai, aur ye actually hum dono ka why jo hai ye ek aise scientific mindset ke sath hai jo sirf hugare pakare mehsoos hai, jaise Allama Iqbal ka shikwa mein sher hai कि खुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, विच मीन्स के इंसान की नजर सिर्फ इस बात को पसंद करती थी कि जो उसके हवास टेस्ट कर सकते हैं वही ठीक है, वही सच है। ये 1920 से शुरू हुआ लॉजिकल पॉजिटिविज्म से, और उसके बाद से यानी उसके बाद से इसको एक कानून बनाया गया कि वही सच है, वही अकेडमिया मानेगी कि जो पांच हवास चेक करके हमें बताएंगे। एनीवेज, तो ये वाई वहीं पर खड़ा है। दूसरा जो सवाल आपका था, पहला और दूसरा जो सवाल आपका था, मैं अब उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। आपने जो सवाल किया आप साइबर के हवाले से, स्पेशली मैंने इस पर गौर कर रखा है पहले से, और मुझे एक बात का बड़ा लुत्फ आता है सोचकर कि कुरान पाक में आया कि इन समा वल बसरा वल फुआद, इन समा वल बसरा वल, अब मुझे अरबी नहीं आती, छूने की हिस्का भी नाम होना चाहिए था, वल चखने की भी हिस्का नाम होना चाहिए था, वल और कौन सी, पांच हिस्से है ना, तो वहां पे दो हिस्से, इन न समा वल बसर, फुआद तो अकल को कहते हैं, तो हिस्से जो हम गिनते हैं तो हम इन समा वल बसरा तक महदूद रहेंगे बात में, क्योंकि अकल जो है वल फुआद आ छठी हिस्से हो सकती है या अकल कुछ और हो सकती है, बट फॉर कंपैरिजन जो हम पांच हिस्सों के साथ करना चाह रहा हूं उसके लिए हम सिर्फ दो लेंगे यहाँ। तो क्या है कि इन समा वल बसर ये दो हिस्से हैं। अब मैं आपके सवाल में इसको क्यों बयान कर रहा हूँ, इस बात को इसलिए कि जो इंटरनेट है, ये जो साइबर की दुनिया है, इसमें सिर्फ हम अभी भी देख रहे हैं आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो समा और बसरा पर इनसार करती है, और उसमें बाकी तीन हिस्सों से छूना मौजूद नहीं है, यानी छूना चखना और सूंघना मौजूद नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए
कि नवीद जफर सर यू आर एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ रोबोट टॉकिंग टू मी एंड आई एम एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट अ रोबोट टॉकिंग टू यू वी आर बोथ ह्यूमंस एंड वी आर टेस्टिंग आवर ह्यूमन थिंग वी आर ह्यूमंस जस्ट बाय टू सेंसेस एक समा और एक बसर एक देखने की और एक सुनने की तो बाकी तीन की क्या हैसियत अब एक जवाब तो इसका ये है कि बाकी तीन की हैसियत मंडेन है अर्थली है बाकी तीन की हैसियत इसलिए अल्लाह ने आयत में उनका नाम नहीं लिया कि वो रींगते हुए कीड़ों के हिस्से जब नजरिया इर्तका को अगर देखे तो जब इतनी डिवेलप हो गई जैसे बिच्छू है छूने की हिस्से देखने का भी काम लेता है सुनने का भी काम लेता है तो उसके पैरों में महसूस होने वाला इर्तियाश ही काफी है उसे ये बताने के लिए कि कोई दुश्मन पास आ रहा है या उसे ये बताने के लिए कि उसे कहाँ जाना है तो जो हिस्से इब्तदाई हयात में डेवलप हुई थी वो अर्थली है और ये दो हिस्से जो हमें मिली है इनमें सुनना और इनमें देखना इनमें एक अजब बात ये है इनमें कोई मवाद दाखिल नहीं होता जैसे हम चखने के हिस्से को देखें तो हम खाते हैं तो वो मॉलिक्यूल जबान पे रखने पड़ते हैं मादे को मादे से टच करना पड़ता है इसी तरह से अगर जब हम छूते हैं तो भी हम अपने इलेक्ट्रॉनों को दूसरी चीज के इलेक्ट्रॉनों के करीब ले जाते हैं और जो रिपल्शन है हाथ के इलेक्ट्रॉनों की और मोबाइल के टच के इलेक्ट्रॉनों की वो रिपल्शन हमें बता देती है कि ये चीज है यहाँ पे कैसी शक्ल की चीज है तो ये भी हमें मादे को मादा छूने से पता चल रही है लेकिन जो कानों में आ रही है वो एक मौज है और जो आंखों में आ रही है वो नूर है वो रोशनी है सो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि कुरान की आयत वाली बात का जवाब कि इन्ना समा वल बसरा तो इसलिए दिया कि वो अर्थली से बुलंद हो चुका है और वो अब एक तरह का उस वक्त साइबर का मतलब लेवल है जब इन्ना समा वल बसर 1400 साल पहले बोला इसी पे ये तुम्हारे पास है अगर तो फिर तुम क्यों नहीं ये सारी आयतों का आखिर में इन आयत का तकरीबन आखिर में सारी आयतों का मफहूम यही है कि जब ये तुम्हारे पास है समात और बसारत तो फिर क्यों नहीं तुम्हें नजर आती सच्चाई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइबर लेवल पर अब ये टाइम का तो क्वेश्चन ही नहीं था ये एक रैंडम क्वेश्चन था तो इसलिए टाइम वाले जो दोस्त अहबाब है उनसे मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो ये जो साइबर जो है इस दुनिया का जिसमें हम अब आ गए हैं फ्यूचर मेरे जाती ये जवाब है मेरे ख्याल में इन समा वल बसरा की वजह से एक बेहतर नूरानी फ्यूचर है बावजूद इसके कि हमें जरूरत है फिजिकल एक दूसरे की नजदीकी की लेकिन बहरहाल आला आला होता है और उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा रिजल्ट हमेशा देगा कभी बुरा नहीं देगा इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े चीन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्के से ज्यादा इल्म नहीं था लेकिन जाहिर है कुछ और सीखने के लिए कह रहे थे कि वहां जाए तो अब बाकी पता नहीं आपके क्वेश्चन क्या थे लेकिन जो मैंने आपको जवाब दिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट जिन्होंने कहा किया था कि जिस चीज से हम दुनिया को देखें हाँ। वो इंटेलेक्ट के इंस्ट्रूमेंट है तो इस पे हम रिलाय कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते ये मैं दूसरा क्वेश्चन जिसके साथ मैं मुत्तफिक था कि आपने मेरी ज़बान हम आवाज है आप मेरे वो ये है कि हम नहीं कर सकते ये तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेलेक्ट है ये तो बहुत ज्यादा नाकिस है मैं कहा करता हूँ मेरा ये जुमला मैं बहुत बोलता हूँ कि अकल गुमानों का घर है दिल यकीन का घर है अगर आप अकल के जरिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं रीजनिंग प्रोसेस और रीजनिंग प्रोसेस इज ऑलवेज ट्रू 99% और 99.99999% बट नेवर 100% एंड जो इंडक्शन डिडक्शन है जो इस्तेखराज है जो नॉट फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल बल्कि फ्रॉम द जनरल टू द स्पेसिफिक जो खुदा इंसान की तरफ का सफर है जो कुल से जुज की तरफ सफर है वो है डिडक्शन और डिडक्शन में 100% रिजल्ट आता है और इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो प्रोसेस है जिसको हम आज साइंस कहते हैं जो इस्तकरार है ये प्रोसेस गुमानों का घर है और यकीन का घर है आपका विजदान और यकीन का घर है आपका दिल सो मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ये कहता हूं कि दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज इंटेलेक्ट actually is not sufficient to understand the reality not agar aap universe ka na bhi bole so at least we should use the word ek sawal bheja hai to sif ahmed sahab ne likh kar bheja hai ki maine kisi jagah padha hai ki iqbal ne is baat ka hum aam aadmiyon ke liye itraf kiya hai
कि ये मुमकिन नहीं कि आइंस्टाइन के जमान की उस हकीकी माहियत को समझ सकें। इस बात में कितनी हकीकत है? क्या वाकई इकबाल आइंस्टाइन के इस तसव्वुर को नहीं समझे थे? ये असल में जो आपने सवाल किया है, ये मैंने अपने खुद पढ़ा है तश्कील रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में, और मैं वहां रुका था उस जुमले पे जो इकबाल ने लिखा है, और मैं इतना हैरान हुआ था कि कमाल जुमला लिखा है इकबाल ने। लेकिन ये बताऊं कि वो जुमला क्या था, ये मुझे याद है जुमला, मैं जुमला भी बोलूंगा अभी थोड़ी देर में। ये बताऊं कि वो जुमला क्या था, इकबाल ने ऐसा मान लिया है कि हम नहीं समझ सकते वगैरह वगैरह, इससे पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। और अगर वो पस मंजर मुझे बयान करने दें डायरेक्ट जवाब देने के, तो फिर तो अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जवाब दूं, तो मुझे डायरेक्ट ये कहना चाहिए कि जी हाँ सर, इकबाल ने यही लिखा है कि हम लोग आइंस्टाइन के जमाने को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें कि मैं उसके पस मंजर में कुछ बात कर दूं, तो फिर आपका ये सवाल नहीं रहेगा। ये सवाल इस शक्ल में क्यों आया है? ये सवाल इस शक्ल में एक खास तबके की तरफ से आया है जो चुन चुन कर इकबाल पर इस बात के ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि वो साइंस का नॉलेज नहीं रखता। यहाँ बड़ा वाकया हुआ इस्लामाबाद में, जलसे हुए हैं इकबाल के खिलाफ इसी पॉइंट पर कि अंडर मैट्रिक लेवल की साइंस जानता। सो उस तरफ से, उस तबके से आया, इसलिए बैकग्राउंड जाने बगैर अगर आप मुझे सवाल करते हैं तो दयानतदारी से मुझे कहना पड़ेगा कि यस, इकबाल ने लिखा है कि हम आइंस्टाइन का नजरिया नहीं समझ सकते क्योंकि हम आम आदमी। लेकिन बैकग्राउंड बयान करूं तो यह है कि इकबाल ने पूरी तरह से जब आइंस्टाइन का नजरिया समझा दिया, आइंस्टाइन के नजरिए को ओस्पेंस्की के रेफरेंस से इसलिए लिखा कि डायरेक्ट आइंस्टाइन का रेफरेंस अगर इकबाल देता तो बात एकेडमिक ना रहती, हु इज द इकबाल जज आइंस्टाइन विदाउट हैविंग अ डिग्री ऑफ फिजिक्स। सो दिस इज एक्चुअली द थिंग दैट इकबाल केम फ्रॉम द पाथ ऑफ गुरु चीफ, from the path of what you call that tritium organium, tritium organium nisamisalis। lekin ye baat aapko samajh nahi aayegi, is baat ko sunen ki wo jo ospensky ka tritium organium ka tarika hai, wo ikbal ne samjha, bayan kiya bits and pieces mein, bahu bariki mein jaakar। फिर इकबाल ने उसके बाद आइंस्टाइन का सारा नजरिया बयान किया और उस पर दो चैप्टर लगा दिए। फिर इकबाल ने और हवालों से आइंस्टाइन पर वाइट हेड के आइंस्टाइन पे तबसरे, नील्स बो उसके आइंस्टाइन पे तबसरे, हाइजेनबर्ग का, क्वांटम का, ये सारा अच्छी तरह से लाइक रिच स्कॉलर एंड रिच रिसर्च पर्सन ये इकबाल ने कर दिया। और फिर लिखा कि इट इज हार्ड फॉर अस लेमैन टू अंडरस्टैंड the mathematical time of Einstein, ये जुमला बोल दिया कि हम layman के लिए, layman को कहना इकबाल को मैंने दाद इसलिए दी थी कि इतना कहना इकबाल के लिए बड़ी अजमत की बात थी कि उसने फिर भी अपने humbleness, अपने आजजी, इनके सारी इसका इजहार किया कि मेरी फील्ड नहीं है मैथमेटिक्स और ये आइंस्टाइन की फील्ड है, तो इट इज हार्ड फॉर अस layman, ये जुमला है वहां पे, यह मुश्किल है हम लेमैन के लिए। आम आदमी भी नहीं लिखा, कॉमन पीपल भी नहीं लिखा, और नीचे का जुमला लिखा हमारे लिए मुश्किल। मैथमेटिकल तो वैसे भी मैथमेटिकल तो कई फिलोसफर्स मैथमेटिक के फिलोसफर नहीं होते, लिसानियात के फिलोसफर्स मैथमेटिक ही एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स ऑफ आइंस्टाइन। सो यस, दैट्स ट्रू। जी सर, आपको मेरी आवाज जो एक्टिविटी ऑफ टाइम को सपोर्ट नहीं कर रही है, सूरज की जो गर्दिश है या ऑब्जेक्टिव जो चीज है उनकी गर्दिश की वजह से टाइम गुजर रहा है, उसमें हम क्या कहेंगे? असल में कुरान पाक ने सूरज को और चांद को दिन, वाकई दिन गिनने के लिए और साल गिनने के लिए कहा है कि हमारे इंसानों के काम की चीज है। लेकिन अगर हम आजकल कोशिश कर रहे हैं 2023 में शायद पहला जो इंसानी खलाबाजों को लेकर जाने वाला जहाज है वो मार्स पे जा रहा है, तो वहां दिन थोड़ा सा और होगा, जैसे अतारद मरकरी जो हमारा प्लैनेट है उस पे 88 दिन का 88 डेज का जो है एक साल होता है, और हमारे पास 365 दिन का। तो अगर हम किसी और प्लैनेट पे चले जाते हैं या हम किसी और सितारे के प्लैनेट पे चले जाते तो जो टाइम है वो इस सूरज पैमाइश नहीं होगा, हो सकता है फिर वो दिन और हो, फिर हो सकता है वो साल और हो, फिर हो सकता है वो लंबाई और हो। इस बात से जो मैंने की है, जो आपने की से नहीं, इस बात से जो मैंने की है एक बात साबित हो रही है,
है कि दरअसल टाइम नाम है ड्यूरेशन का, और टाइम हमारे सूरज के तुलू और गुरूब का नाम नहीं है, क्योंकि खुद हमारी जमीन पर ही हमारा जो सूरज का तुलू और गुरूब है ये एक किस्म का दिन नहीं दिखाता, कहीं दिन लंबा है कहीं दिन छोटा है। नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन समझ लिया है क्योंकि वहां पे सूरज दिखाई नहीं देता, जो या यूं कह ले कि वहां पे एक लंबा दिन है और लंबी रात। तो इसका मतलब कि ये जो सूरज है ये एज एन ऑब्जेक्टिव सपोर्ट, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को सपोर्ट नहीं करता बल्कि सपोर्ट करता है तो इस बात को कि एक्चुअली टाइम इज द नेम ऑफ अ ड्यूरेशन, एंड अ ड्यूरेशन इज समथिंग व्हिच इज जैसे दिन की ड्यूरेशन, जैसे सेकंड की ड्यूरेशन, और अब आ गई है सीजियन क्लॉक जो एक सेकंड में 9 खरब मर्तबा वाइब्रेट होती है। तो उसका एक सेकंड हमारे एक सेकंड का 99 खरबवा हिस्सा है। इसका मतलब है कि जो ड्यूरेशन है ये दरअसल किसी चीज की रिपीटिशन या तवातर का नाम है। इसी तरह मैं एक और बात भी कहा करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह आलमीन का रब है, तो उसमें और प्लैनेट्स भी आलमीन आते हैं और कहकशाएं भी आलमीन है और यूनिवर्सें भी आलमीन है। तो जब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतलिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगर रहमतलिल आलमीन बनाकर, तो रसूल पाक को क्यों महदूद कर दें हम सिर्फ एक ही आलम यानी जमीन के आलम के लिए, तो वो भी आलमीन के लिए रहमत है, ऐसे ही तमाम प्लैनेट्स के लिए और ऐसे ही तमाम गैलेक्सीज के लिए और ऐसे ही तमाम जमानों के लिए, क्योंकि एक जमाना भी एक आलम होता है, सो इसलिए वो आलमीन के लिए रहमत है। तो फिर मैं अपने उस मुकदमे को सपोर्ट कर रहा हूँ कि वो फ्यूचर में से गुजर कर गए। अब इतना लंबा वक्त गुजार कर गए और फिर जब वापस हमारे पास पहुंचते हैं, इस मक्के में पहुंचते हैं, तो हम कहते हैं कि वो कुंडी अभी हिल रही थी जो उनके जाने से पहले हिली थी, वो पानी अभी बह रहा था जिससे उन्होंने वुजू किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड भी नहीं गुजरा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि टाइम सब्जेक्टिव है, क्योंकि वो आपके लिए और फीलिंग वाला है, मेरे लिए और फीलिंग वाला, रह गई उसकी पहचान तो वो तवातुर है, रेपिटिशन, तो वो तवातुर है तो हम कर सकते हैं। हमें ऐसे टाइम की जिसकी पहचान तवातुर है सिर्फ इसी दुनिया में जरूरत है। अगर हमारे पास ये हवास ना हो और अगर हमें ऐसी जिंदगी ना गुजारनी हो जैसे हम गुजार रहे हैं, बड़ा होना है, बूढ़ा होना है, बच्चे को शादी करनी, तो हम इस टाइम की फिर हमें जरूरत नहीं है। सो दिस इज समथिंग ऑब्जेक्टिव व्हिच एक्सप्रेसेस अस टू बी ऑब्जेक्टिव, बट नॉट एक्चुअल टाइम इज द ऑब्जेक्टिव टाइम। एक्चुअल टाइम इज प्योर टाइम, ज़माने खालिस जिसे इकबाल ने कहा है, ज़माने खालिस, ज़माने कार, ज़माने कहरी और ज़माने मुतसलसल। इकबाल ने ज़माने की 4 किस्में बयान की हैं, हम जो इकबाल की उन 4 किस्मों को अलग अलग करके समझेंगे। तो उम्मीद है कि मैंने किसी हद तक, क्योंकि मैं खुद एक तालिबे इल्म हूँ पर आलिम नहीं हूँ, तो मैंने उम्मीद है किसी हद तक अपने तालिबे इल्म दोस्तों को ऐसे जवाब दिए होंगे जैसे दो दोस्त इकट्ठा पढ़ते हैं मिलकर बैठ के। चलें इजाज बिन मुश्ताक साहब आखिरी सवाल कर लें, फिर मैं डॉक्टर कमर इकबाल साहब के पास आऊंगा। सरदार इजाज बिन मुश्ताक साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सवाल करें। जी जी आ रही आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर इंडिया से। जी बहुत खुशी, इंडिया कश्मीर से। अच्छा जी, हेलो सर। अच्छा 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 जी 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 सर, टाइम ट्रैवल के हवाले से जो बात हो रही है, तो मैं सर साकी नामा से लिया गया एक शायर जो इकबाल अली रहमा का है, कि इस हवाले से मुझे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की रहनुमाई फरमाए आप सर। जमाना की जंजीर आयाम है, दमों के उलट फेर का नाम है, इस हवाले से। और ये सर आपका सवाल भी वही है जो मैडम का सवाल था, मैडम गुलनाज का, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में है। देखें इकबाल ने कभी इनकार नहीं किया कि टाइम ऑब्जेक्टिव भी होता है, और जो भी लोग कहते हैं किसी चीज के बारे में कि वो सब्जेक्टिव है, तो वो ये इनकार कभी नहीं करते कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे रंग जो होते हैं, कलर, रंग सब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको पता है? यानी एज अ स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको पहले पता नहीं है, सब सामीन से मैं मुखातिब हूँ, कि रंग जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते। आप कहेंगे हकीकत में कैसे एग्जिस्ट नहीं करते, हम देखते हैं रेड कलर को, ब्लैक कलर, वाइट कलर, येलो कलर, तो
एक तो अलग बात है कि साइंस भी ये कहती है कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, उसको छोड़ दें साइंस को, वक्ती तौर पे फलसफे तक ही रहे। तो फलसफा कहता है कि आपसे अगर कहा जाए कि मुझे रंग दिखाओ, तो आप रंग नहीं दिखा सकते, आप कोई चीज दिखाएंगे। यानी अगर आपसे कहा जाए रेड कलर दिखाओ, तो आप कोई ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, कोई स्वेटर दिखाएंगे, कोई पेन दिखाएंगे। तो जैसे गिनती, काउंटिंग सब्जेक्टिव चीज होती है, पर प्योर सब्जेक्टिव। जब आपसे कहा जाए कि आप दो दिखाएं, शो मी टू, आप चार दिखाएं, आप जो आठ दिखाएं, तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप दो चीजें दिखाएंगे। मैं आपसे कहूं दो दिखाएं, तो आप दो उंगलियां दिखाएंगे, या दो पेन दिखाएंगे, दो ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे। सो ये चूंकि सब्जेक्टिव हैं, दो भी और रंग भी, और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में फिर भी इनकी एग्जिस्टेंस इस हद तक होती है कि हमें चीजों में वो रंग दिखाई देते हैं। और हम उन्हें कहते हैं चीजों की सानवी खसूसियत, उनकी सेकेंडरी प्रॉपर्टी, उनकी ये मादे की फर्स्ट प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रंग हमारे अंदर है। और जानवरों को और तरह से दिखाई देता है, जानवरों को दो रंग दिखाई देते हैं या तीन या चार बस। अब अगर आप बाज जानवरों को हमारे वाला रंग नहीं और रंग दिखाई देता है, कुत्ते को हमारे वाला रेड कलर ग्रीन दिखाई देता है और ग्रीन कलर रेड दिखाई देता है। हमारे यहाँ इंसानों में एक बीमारी आ जाती है जिसे कलर ब्लाइंड कहते हैं, वो इंसान भी कलर डिफरेंट देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जो हम चीजों में डालते हैं, और सेकेंडरी प्रॉपर्टी के तौर पर चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम खुद उसमें डालते हैं, हमारा माइंड उसमें डाल देता है। सो ऐसे ही इकबाल ने इनकार कभी नहीं किया कि टाइम ऑब्जेक्टिव भी नजर आता है। जैसे किसी भी सब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में, जैसे रंग की मिसाल दी, देखा जा सकता है, वैसे ही टाइम को भी ऑब्जेक्टिवली उसकी परफॉर्मेंस को देखा जा सकता है, और उसकी परफॉर्मेंस माजी, हाल और मुस्तकबिल में डिवाइडेड है, और वो हम देखते हैं। तो ये इकबाल ने इनकार कहीं नहीं किया, इसलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को समझ ले इकबाल मानते हैं। बट चूंकि इकबाल कहते हैं टाइम डोमिनेट्स एवरीथिंग, टाइम डोमिनेट्स द स्पेस, टाइम इज एक्चुअली एवरीथिंग, सो इसलिए इकबाल फिर और आप ऊपर जाते हैं तो टाइम को वो भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना आइंस्टाइन के हाथ टाइम और स्पेस दोनों नहीं है, तो इकबाल का शेर है जमाना है जमानो मकान, यानी प्योर टाइम में ये वाला टाइम नहीं है जिसे हम ऑब्जेक्टिव टाइम कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, मेरी आपके सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपकी हेल्प की है ये बताने में कि दरअसल आइंस्टाइन इकबाल ने कभी इनकार किया ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं होता। मैडम गुलनाज को भी ये जवाब है, उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइम होता है, उसी की वजह से हम जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टाइम बड़ा टाइम है, सब्जेक्टिव टाइम ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव टाइम हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइम रियलिटी है। सो दैट इज द आंसर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और अपना इल्म के मोती बिखेरे। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स से आपकी हौसला अफजाई की। मैं आखिर में बज़्म फ़िक्र इकबाल रावलपिंडी के सदर जनाब प्रोफेसर कमर इकबाल साहब को माइक थमाऊँगा कि वो इख्तितामी कलिमात से नवाजे हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, बस्मे फिक्रे इकबाल के लेक्चर्स का और आज का जो सवाल जवाब का प्रोग्राम था, इसका सिलसिला अल्लाह के फजल व करम से फिर शुरू हो चुका है, और उम्मीद है कि आप सब लोग इसी तरह जोर शोक से इसमें हिस्सा लेंगे। रात को जलील अली साहब की मैंने पोस्ट देखी, जनाब हमारे बेटे हमारे शागिर्द प्रोफेसर इदरीस आज़ाद के लेक्चर की शोहरत तो मुझ तक पहले पहुंची हुई थी, और उस लेक्चर के हवाले से इनसे दो मरतबा बात भी हुई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि फेसबुक वगैरह पर वो आ चुका है। जलील अली साहब की सुबह फजर की नमाज से पहले मैंने पोस्ट देखी, और उन्होंने ये हुक्म किया था, मेरे लिए तो हुक्म ही था ऐसे, उस पोस्ट में उन्होंने लोगों से दरखास्त की हुई थी, लेकिन चूंकि मेरे उस्ताद हैं और मेरे शागिर्द इदरीस आज़ाद के दादा उस्ताद भी हैं और उस्ताद भी हैं, हम दोनों को उन्होंने पढ़ाया है, तो उन्होंने उस लेक्चर के हवाले से कहा था, मशवरा दिया था कि पढ़ें, और साथ ही ये लिखा था कि इस लेक्चर को देखने के बाद मेरी रोशनी बढ़ गई। तो मैंने जब ये पढ़ा
उसके बाद फजर की नमाज पढ़ी और लेक्चर खोल कर मैं बैठ गया। कामिल 2 घंटे और 3-4 मिनट का वो लेक्चर है, सारे का सारा मैंने बगैर किसी तातुल के सुना। और उस्ताद मोहतरम ने कह दिया था रोशनी बढ़ने का, मैंने तो अपने शौक जाती। तो आज हमें मालूम था ये प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम का खुद मैंने बनाया था। तो इसीलिए मैं अब तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट बैठ रहा हूँ कि ये रोशनी बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ सुबह फजर के बाद उसमें और इजाफा हो जाए। और मैं पूरे इस मौजू पर कि शायद पाकिस्तान में और कोई ना रखता हो, तो इंशाल्लाह आप सबका ताबुन रहा। तो ये सिलसिला जो ही यूं ही आगे चलता रहेगा, इदरीस आजाद साहब से सवाल जवाब सिलसिला जारी रहेगा, लेक्चर्स भी होंगे इनके इंशाल्लाह। इस फकीर के लेक्चर चल रहे हैं, पहला लेक्चर हुआ जिसमें मुताला इकबाल इकबाल याद के बुनियादी माखज़, इकबाल इकबाल याद के माखज हिस्सा दोम होगा, और उससे अगले जुमेरात को इदरीस आजाद साहब के साथ सवाल जवाब की नशिस्त होगी, उसका हम मौजू इंशाल्लाह तय करके आपको बता देंगे। तो इदरीस आजाद साहब बस में फिक्र इकबाल के नायब सदर हैं, बनता तो नहीं उनका शुक्रिया अदा करना, लेकिन मैं बहरहाल उनको अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, अल्लाह उन्हें खैर बरकत अता फरमाए। आप तमाम अहबाब को, हमारे बेटे हमारी बेटियां जो इस प्रोग्राम में शामिल थी, उन सब को अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और ये इंसानियत पर जो बुरा वक्त आया हुआ है, जो वबा है, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए इससे निजात अता फरमाए। आप तमाम हजरात का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। जैन साहब कुछ ऐलान करना चाहते हूँ तो करते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया सर आपका भी और सर इदरीस आजाद साहब का भी, आपने वक्त दिया। तमाम पार्टिसिपेंट का, सामाइन का बहुत शुक्रिया। मुझे कहा जा रहा है कि इतला दीजिएगा, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप फेसबुक पर जाएं और / बज़्म फ़िक्र इकबाल लिखेंगे तो हमारा एक ऑफिशियल पेज है। हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे फ्यूचर के आगे जो भी होगा वो सब इंशाल्लाह बरवक्त वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से तमाम की इतला दी जाएगी। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर भी आपको इतलात मिल सकती हैं, तो वहाँ भी आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम का, और इंशाल्लाह फिर हम सवाल जवाब की अगली नशिश के साथ अगले हफ्ते इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए आप तमाम का बहुत शुक्रिया, और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह बहुत शुक्रिया।